नक्सलियों ने आज कोल्हान प्रमंडल बंद बुलाया है। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय यानी स्पेशल ब्रांच की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया विभाग को सूचना मिली है कि बंद के दौरान नक्सली अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में रेलवे ट्रैक और सरकारी संपत्ति या निर्माण कार्य स्थल पर हमला कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं बंद को लेकर नक्सलियों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर सोनवा मुख्य मार्ग के रगामाटी क्षेत्र में नक्सलियों ने पोस्टर और बैनर लगातार चेतावनी दी है और पोस्टर के जरिए नक्सलियों ने नक्सल विरोधी अभियान का विरोध भी किया है। नक्सलियों के पोस्टर से आसपास के इलाकों में अब दहशत का माहौल है। बता दें कि सुरक्षा बलों के द्वारा कोल्हान और सारना जंगल में लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सुरक्षा बलों को सफलता भी मिल रही है। बीते दिनों पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए थे। बंद के दौरान नक्सली अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में पहुंच सकते हैं, रेलवे ट्रैक, सरकारी संपत्तियां या निर्माण कार्यस्थल पर हमला कर पहुंचा सकते हैं नुकसान। बंद को सफल बनाने के लिए नक्सलियों ने ये तमाम चीजें, आपको बता दें, जानकारियां सामने आई है। खबर मनोहरपुर से, आज नक्सलियों ने बुलाया कोल्हान बंद। बता दें कि मनोहरपुर जरायकेला रेलवे ट्रैक के बगल में लगे पोल पर अटांगा बैनर और मनोहरपुर पुलिस और आरपीएफ के जवानों ने बैनर को जब्त किया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उस बैनर की, ये बैनर टांगा गया है। आज नक्सलियों ने कोल्हान बंद बुलाया है और ऐसे में ये बैनर लगाया गया है मनोहरपुर जरायकेला रेलवे ट्रैक के बगल में लगे पोल पर। ये बैनर टांगा गया है और तस्वीरों में आप ठीक देख सकते हैं, जो बैनर है वो टांगा गया है। मनोहरपुर पुलिस और आरपीएफ के जवानों ने बैनर को जब्त किया है। तो इसी खबर पर हमारे साथ सीधे प्रभात लाइव जुड़ गए हैं। प्रभात, देखिए, आज नक्सलियों ने कोल्हान बंद बुलाया है और ऐसे में ये खबरें सामने आ रही हैं कि बैनर जो है वो टांगा गया है। क्या कुछ इस बैनर में लिखा गया है, क्या कुछ इस पूरे मामले में अधिक जानकारी है प्रभात? बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए, पिछले 17 जून को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 5 नक्सलियों की को मौत के घात उठा रहा था सीआरपीएफ के जवान जिला पुलिस बल के द्वारा। उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि नक्सलियों बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनकी साथी की मौत हुई थी और उसी को लेकर पूरे कोल्हान को बंद कराया गया है। आज 10 तारीख को, यानी कि बीती रात अगर 12 बजे से लेकर आज रात 12 बजे तक बंद बुलाया है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो जो कोल्हान के क्षेत्र में है, नक्सलियों के द्वारा जो रेलवे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, और उसी दरमियान आपने हमारे सहयोगी ने भेजा है किस तरीके से वो रेलवे ट्रैक पर, मनोहरपुर और जरायकेला के बीच में रेलवे ट्रैक पर जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, कल भी उन लोगों के द्वारा मनोहरपुर के आसपास बैनर पोस्टर लगाए गए थे और उसमें साफ लिखा हुआ था कि मौत के बदले मौत, खून के बदले खून, मार्क्सवादी करके निवेदक मार्क्सवादी लिखा होता। तो उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो कोल्हान के क्षेत्र में चाईबासा हुआ, मनोहरपुर, सीकेपी, सोनुआ, सरंडा, इन क्षेत्रों में नक्सलियों की जो दबिश थी पहले जिस तरीके से, वो धीरे धीरे कम होती जा रही, क्योंकि लगातार पिछले 2 सालों से अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ के जवान, जिला पुलिस बल, रैफ, जैप, जितने जवान हैं सारे कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे लगातार, और उसी का नतीजा था जो पिछले 17 जून को जो गुप्त सूचना मिली थी सीआरपीएफ को और उसके दरमियान मुठभेड़ हुआ था और उसमें 5 नक्सली मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं नक्सली जो है वो बैकफुट पर होते नजर आ रहे हैं और उसी को देखते हुए इन लोगों ने आज एक दिन का बंद बुलाया है। और बंद में जो रेलवे के द्वारा जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जो रेलवे ट्रैक्स है उसमें लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, रेलवे के जो अधिकारी है वो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, साथ में जो आसपास के जो रेलवे स्टेशन है, चाहे वो मनोहरपुर, सोनुआ, गोइलकेरा, इन स्टेशन में गतिविधि पे नजर रखी जा रही है, कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है या फिर किसी तरीके का व्यक्ति का आवाजाही हो रहा है या फिर कोई बड़ी सामान लेकर वो आना जाना कर रहा है, तो उस पर नज़र रखे हुए हैं रेलवे पुलिस के द्वारा। और जो सीकेपी मंडल है पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं, चूँकि वो जो मेन लाइन है जो टाटा से लेकर मुंबई हावड़ा मेन लाइन है उसी रास्ते से होकर जाती है। और इससे पहले भी देखा गया है कि नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को उड़ाया है, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि नक्सली अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और उसकी बौखलाहट है और अपनी धमक
चूंकि धीरे धीरे उस पूरे क्षेत्र में अगर एक तरह से कहें तो नक्सलियों का जो वर्चस्व था वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो उसी को फिर से धमक दिखाने को लेकर ये बंद बुलाया गया है। और जिस तरीके से उन लोगों ने कल पोस्टर में लिखा था कि मौत के बदले मौत, खून के बदले खून, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि नक्सली जो है वो बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लगातार रेलवे ट्रैक पर पेट्रोलिंग की जा रही है, अगर कोई एक्सप्रेस ट्रेन है तो उसकी रफ्तार को धीमी कर दी जा रही है, चूँकि अगर क्योंकि जो भी राजधानी हो या फिर मुंबई मेल हो या फिर मुंबई एक्सप्रेस हो, ये ट्रेन जो स्पीड गति से जाती है तो उसकी स्पीड को भी कम करने का आदेश दिया गया। चूँकि जंगल का एरिया जो पड़ता है, अगर हम चाईबासा से बात करें, सोनुआ, गोइलकेरा, सीकेपी, इन क्षेत्रों में जो जंगल का क्षेत्र पड़ता है, उन क्षेत्रों में जो ट्रेन की स्पीड है उसे कम करने को कहा गया और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ये हम कह सकते हैं कल भी जैसे राज्य के DGP ने कहा कि अब उनकी बौखलाहट है, उनकी जो धमक है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और बैकफुट पे आ रहे हैं, क्योंकि अब दो ही ऐसे बड़े नक्सली जो बचे हुए हैं इन क्षेत्र में जिनकी धमक रहता है। चूंकि ये सरंडा का जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है और ये जंगल खूंटी तक पहुंचता है, खूंटी से लेकर सरंडा तक का कॉरिडोर बना हुआ है, उस रास्ते से इन लोगों की आवाजाही होती है। लेकिन पुलिस लगातार मुस्तैद है और जंगलों में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है, साथ ही रेलवे ट्रैक को भी नजर रखे हुए। देखिए प्रभात, जिस तरह से ये धमकियां, उसके बाद जो अब बैनर सामने आ रहा है, ऐसे में वहां के आसपास के लोगों का, स्थानीय लोगों के बीच कैसा माहौल है? हालांकि दहशत फैली हुई है, ये बातें सामने आ रही हैं, आप इसके बारे में थोड़ा अधिक जानकारी दें कि लोगों के बीच में अभी कैसा माहौल बना हुआ है इसे लेकर। देखिए, पिछले दिनों अगर हम बात करें तो अगर 6 महीने की घटना की बात करें तो नक्सलियों के द्वारा कई गांव वालों की हत्या भी कर दी गई थी मुखबरी के आरोप में कि ये पुलिस की मुखबरी की रही है, तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों में थोड़ी दहशत तो ज़रूर है, क्योंकि नक्सली का जो गढ़ माना जा रहा था, ये अगर इस जोन में हम कहें तो सरंडा उस तरह से कहें तो गढ़ माना जा रहा था, तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों में थोड़ा सा डर समय है। लेकिन कुछ ऐसे गांव भी है जहां पुलिस की बल लगातार तैनात है और कहीं ना कहीं पुलिस का मनोबल गांव वालों के चलते ही बूस्टअप हो रहा है, क्योंकि गांव वाले का ही सपोर्ट से अगर हम बात करें कि पिछले दिनों जो घटनाएँ हुई थी कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुआ था, वो 5 नक्सली मारे गए थे, तो कहीं ना कहीं गाँव के जो जंगल के एरिया में जो गाँव है उसमें थोड़ी सी दहशत तो है, लेकिन कहीं ना कहीं गाँव वालों में भी एक तरह से अगर कहें तो हिम्मत आ रहा है, चूँकि पुलिस लगातार उनकी सहायता कर रही है, पुलिस लगातार उनके साथ में समन्वय में बैठाकर लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। लेकिन आज की बंदी को लेकर तो खासकर गोइलकेरा, सोनुआ, इन क्षेत्र में जो है वो थोड़ी सी दहशत जरूर है, क्योंकि लोग इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा धमक देखी जी प्रभात। तो देखिए, जिस प्रकार नक्सलियों ने आज कोल्हान प्रमंडल बंद बुलाया है और ऐसे में जिस तरह पुलिस पूरे एक्शन मोड में है, देखना ये होगा कि इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, नक्सलियों ने अब कोल्हान बंद बुलाया है, पोस्टरबाजी कर लोगों को चेतावनी दी है और ऐसे में लोगों के बीच दहशत का माहौल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही बैनर है जो नक्सलियों ने लगाया है, हालांकि पुलिस अब इसके बाद पूरे एक्शन मोड में है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।